इंटू अठास 2 BHK हाउस प्लान। ओके, आउटसाइड वॉल 10 इंच यानी 250 mm और इनसाइड वॉल 125 mm। ओके चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो यानी 25 इंटू अठास, ओके 700 स्क्वायर फीट। 700 स्क्वायर फीट हाउस प्लान, दिस साइज हॉरिजॉन्टल साइड 25 और दिस साइड 28 फीट। ओके चलिए इसका जो विंडो है येलो कलर से इसको मार्क करके कुछ अलग टाइप का डिज़ाइन यहाँ पर आएगा, देखिए मार्क कर देते हैं पहले। देखिए यहाँ पर वेंटिलेशन विंडो, अगर मान लीजिए आपका बिल्डिंग का और भी ज़्यादा जगह है साइड में तो अच्छा होगा आपका, इधर बहुत ही अच्छे से आप देखिए। उसके बाद जो आएगा इस आपका डोर, ओके तो डोर रेड कलर से हम डोर यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है, इधर भी एक डोर प्रोवाइड कर दिया है, इधर भी कर दिया है। देखिए सिंपल सा एक प्लान है, ठीक है एकदम सिंपल सा 700 स्क्वायर फीट के अंदर 2 BHK। तो क्या क्या चीज़ है इसमें, पहले देखिए स्टार्टिंग में इसका डायरेक्शन देखिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इसका मतलब नॉर्थ वेस्ट दिस कॉर्नर, साउथ वेस्ट दिस कॉर्नर एंड साउथ ईस्ट दिस कॉर्नर एंड नॉर्थ ईस्ट दिस कॉर्नर। ओके तो अब आप इसको देखिए, इसमें जो प्लान का जो डिटेल्स है इसमें क्या क्या चीज़ है। स्टार्टिंग में सेंटर में एक गेट आप रखिए इधर, क्योंकि गेट रखने से आपका घर का अंदर जाने का रास्ता मिल जाएगा, इधर से आप करके आप अंदर आइए। ओके उसके बाद इधर एक 5 फीट का आप पैसेज रखिए, ओके पैसेज रखिए। उसके बाद यहाँ पर डोर प्रोवाइड कर, देखिए यहाँ पर किचन प्रोवाइड कर दीजिए, क्योंकि डायरेक्शन वाइज किचन इधर होना चाहिए, ठीक है। 7 फीट बाई 9 फीट का 7 फीट और ये जो डायरेक्शन है 9 फीट का एक किचन का मेज़रमेंट हमने रखा है। इसका एक विंडो यहाँ पर हमने रखा है, अगर आपका परमिशन है तो आप विंडो यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट इधर एक बेडरूम, इधर प्रोवाइड किया है, ठीक है 10 फीट 6 इंच और 10 फीट मिनिमम जो बेडरूम का रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हमने रखा है इधर। ओके इधर भी एक विंडो प्रोवाइड करेंगे। आउटसाइड में 2 फीट करके छोड़ देने के बाद ये मेज़रमेंट आया है प्लॉट में, इसके ऊपर हम बिल्डिंग प्लान बना रहे हैं, ठीक है। डोर यहाँ पर बाथ एंड लैट्रिन रखा है, इसका साइज 6 फीट 6 इंच। ओके इधर और इधर का जो डायरेक्शन है 6 इंच रखा है। हो गया हमारा नेक्स्ट पार्ट का, नेक्स्ट बेडरूम पर हम जाएंगे यहाँ पर। तो सेम बेडरूम मेजरमेंट फर्स्ट बेडरूम के साथ सेम रखा है इधर, 2 बेडरूम सेम टाइप का है। ओके 2 बेडरूम हो जाने के बाद किचन हो गया, पैसेज देखिए इधर एक ओपन है, ओपन जाएगा इधर, ठीक है। यहाँ पर वेंटिलेशन रखेंगे, यहाँ पर विंडो रखेंगे, यहाँ पर विंडो रखेंगे। ओके आउटसाइड में जो वॉल आपको दिखाई दे रहा है 10 इंच का वॉल है, ठीक है। और इनसाइड में जो आपका वॉल दिखाई दे रहा है यहाँ पर 5 इंच का है, तो आउटसाइड 10 इंच इंटरनल 5 इंच। ओके नेक्स्ट हम जाएंगे इधर, बड़ा से एक हॉल रूम है,
तो मान लीजिए डाइनिंग कम ड्राइंग हॉल, यही हम इधर रखेंगे। तो रखने के बाद इसका मेजरमेंट कितना आएगा? तो इधर जो आएगा 12 फीट 5 इंच इधर का, ठीक है, और इधर जो आएगा 9 फीट 9 इंच। उसके बाद हम स्टेयर जब ऊपर जाएगा इधर से, तब इसके नीचे भी जगह मिल जाएगा, तो टोटली आपको इधर आ जाएगा 7 फीट 2 इंच इधर, ठीक है, और इधर जो जगह है 3 फीट। ओके, इधर जो जगह है 3 फीट। ओके, और इधर का भी 3 फीट। ऐसे करके आप स्टेयर ऊपर चला जाएगा, स्टेयर उसके नीचे आप जगह मिल जाएगा, आपका बहुत ही अच्छा सा जगह मिल जाएगा। तो इस जगह को आप यूटिलाइज कर सकते हैं इसके नीचे भी। तो इधर भी आप विंडो प्रोवाइड कर दीजिए, इधर भी विंडो प्रोवाइड कर दीजिए। हो गया आपका मेन पार्ट। उसके बाद बिल्डिंग प्लान हो जाने के बाद इसका जो मेन पार्ट है कलम, तो कलम का पोजीशन हम कुछ रखेंगे। आपको तो मालूम है कलम कहाँ पर रखना है, आप तो हर ड्राइंग में देखते हैं ना। तो इधर तो आपको कलम एक ऐसे चाहिए, इधर एक कलम ऐसे चाहिए, ठीक है, इधर भी 10 इंच बाय 10 इंच का कलम ऐसे आपको रखना है, इधर भी एक कलम रखिए, इधर भी एक कलम रखिए, ओके, इधर भी, इधर इधर भी रखिए, ऐसे ऐसे आप कलम यहाँ पर रख दीजिए। इसके बाद इधर नेक्स्ट आपको एक कलम इधर भी रखना चाहिए, क्योंकि इधर स्टेयर है, स्टेयर के चार कोने में आपको कॉलम प्रोवाइड करना है। तो फ्रेंड्स इसमें क्या क्या चीज़ है, तो इसका कुछ टेक्निकल पार्ट आपके साथ शेयर करते। मान लीजिए आपका 700 स्क्वायर, इसका कॉस्ट कितना आएगा इस बिल्डिंग प्लान का? तो बिल्डिंग कॉस्ट, इसका मतलब बिल्डिंग का खर्च कितना आएगा, ठीक है, कॉस्ट का मतलब खर्च। तो आपको इधर 14 लाख टोटल आएगा, और आपके पास अगर 10 लाख है तो आप इसको अभी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इसका जो रेनफोर्समेंट क्या आएगा, आप यदि 12 mm का टॉर यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, इसका मतलब 12 mm का रेनफोर्समेंट यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, जो लोहे है यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए और प्लानिंग पसंद आए तो जरूर लाइक और शेयर कर देना फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।